लेते हैं जब हम फूड को खाते हैं तो फूड सबसे पहले इसकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है जो की हमारे माउथ में होती है और स्टमक में होती है या फिर एलिमेंट्री कैनाल में होती है सेकेंडली इसकी केमिकल ब्रेकडाउन होती है केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब है कि जैसे हमने सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी किया है जो कि प्रोटीन्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं हैं जैसे कि उसके बाद जो हमारे लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स नौ ये सब जो हैं ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी इनको एज इट इज तो यूज नहीं कर सकती बिकॉज जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं सबसे पहले इनको ब्रेक करना पड़ता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में और ताकि इनको हम यूज कर सकें तो जैसे हमने जो है फूड खाया फूड में अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हम सिंपलर कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो अगर हमने स्टार्च वाला कोई फूड खाया है तो सबसे पहले स्टार्च जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में टूटेगा अब ये जो ग्लूकोज है ये आगे इससे एटीपी बनता है विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है मीन जो स्टार्च से लेके जो एटीपी तक प्रोडक्शन हो रही है मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है इनको कैटेलाइज करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स और स्मॉल केमिकल्स विच आर कॉल्ड जैसे ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोलिस के साथ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है इन दिन डिफरेंट स्टेप्स बाई दिफरेंट इंजाइम्स तो बॉडी में जितने भी एक्टिविटी है इसको परफॉर्म करते हैं इंजाइम तो इंजाइम क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का नाउ वेलकम बैक टू बायोलॉजी इन गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंजाइम इन डिटेल जो इंजाइम्स हैं ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में प्रोटीन्स होते हैं

टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है मेजोरिटी ऑफ जो प्रोटींस हैं इनमें इस तरीके से ये टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में फोल्ड हुए होते हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में इनकी फोल्डिंग होती है इसकी वजह से इनमें स्मॉल पॉकेट्स बनती हैं और ये जो पॉकेट्स हैं इनके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है ये जो यहां पे पॉकेट्स बन रही है फोल्डिंग के दौरान तर, जो कि टर्शियरी फोल्डिंग से बन रही है दीज आर कॉल्ड दाइट ऑफ इंजाइन और जो एक्टिव साइट है इंजाइन की इसके साथ साथस्ट्रेट बाइंड करता है और जब यहाँ पे इंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो इंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और ये प्रोडक्ट इंजाइम से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से, से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिस तो यहाँ पे ये टेन स्टेप्स में होता है और ये जो टेन स्टेप्स हैं इनमें डिफरेंट इंजाइम यूज होते हैं उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम की हेल्प से यहाँ पे ये जो है ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है विच इज H2CO3। उसके बाद जो एंजाइम्स हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं जैसे जो केमिकल रिएक्शन हो रही है अगर एंजाइम के बिना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर इंजाइम प्रेजेंट है तो ये केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी बहुत फास्ट हो जाएगी सो दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन तो इंजाइम जो है ये एक्सेलरेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को रेट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी मीन्स रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा और इसमें टाइम भी कम लगेगा तो मीन रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है और एंजाइम यही काम करते हैं उसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो अगर यहाँ पे जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है अगर ये एबसेंट है तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है इसके बहुत कम मॉलिक्यूल्स बनेंगे जैसे कि यहाँ पे एक आर में ओनली 200 हंड्रेड मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे लेकिन अगर एंजाइम कार्बोनिक एंड प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो H2CO3 है इसके six lakh molecules जो जो हैं, हैं ये एक second में बन जाएंगे। तो तो इतना जो accelerate करते हैं, enzyme rate of reaction को। उसके बाद, अब अगर हम binding of enzyme तो substrate की बात करें, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स आते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि इंजाइम किस तरीके से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है जो फर्स्ट मॉडल है इट इज कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल हम सभी लॉक एंड की यूज करते हैं लॉक यूज करते हैं घरों में तो जो लॉक है इसके लिए स्पेसिफिक की होती है कभी भी जो लॉक है ये कोई और की के साथ इस ये ओपन या क्लोज नहीं होता इसके लिए स्पेसिफिक की होती है ये मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि हर एक जो इंजाइम है इसमें जो एक्टिव साइट है उसकी शेप और सबस्ट्रेट की शेप ये सेम होनी चाहिए इनकी बाइंडिंग के लिए सो हाई डिग्री ऑफ

तो ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की वजह से जो इंजाइम है इसमें कंफॉर्मेशनल चेंजेस होती हैं और इसकी शेप चेंज हो जाती है ताकि वो इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फिट हो सके तो यहाँ पे क्या है इंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल शेप ऑफ एक्टिव साइट कैन बी मॉडिफाइड बाय बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट मीन्स यहाँ पे जो इंजाइम है इसकी एक्टिव साइट पहले इस तरीके की है लेकिन ये फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट है जब इसके साथ बाइंड करेगा तो यहाँ सबस्ट्रेट जो, जो इंड्यूस तो कर रहा है कन्फर्मेशनल चेंज एंजाइम में नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एंजाइम्स है ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करते हैं कैसे रिएक्शन के जो रिएक्शन है उसको एक्सेलरेट करते, है, करते हैं एम्पलीफाई करते हैं सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल लें तो सपोज फॉर एग्जाम्पल की एक रिएक्शन है इस रिएक्शन को अगर हमें के बिना करवाना है तो इसको करवाने के लिए 100 पी इतनी एनर्जी यूज होगी लेकिन वहीं अगर हमारे पास कोई इंजाइम है और इस रिएक्शन में हम इंजाइम डालते हैं तो ये बहुत कम एनर्जी में रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी जैसे कि एक ए ही रिएक्शन परफॉर्म कर देगा तो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं ये इस तरीके से जो एक्टिवेशन है मींस रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं और उसको स्पीड अप करते हैं अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे side, यहाँ पे दिस साइड साइड ये जो ग्राफ है इसमें इस रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है मींस रिएक्शन हो रही है रिएक्शन किस तरीके से होती है सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है ये इंजाइम की एक्टिव साइड के साथ बाइंड करता है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो पूरा सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये सेपरेट हो जाता है इंजाइम से और और इस साइड फ्री एनर्जी है विच इज आल्सो कॉल्ड द डेल्टा जी दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं अब इस ग्राफ में हमने दो यहाँ पे रिएक्शंस ली हैं। एक वो रिएक्शन है जिसमें कि हमने इंजाइम डाला हुआ है तो इंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी में जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी जो एरिया है इतनी एनर्जी है इसे बोलते हैं फ्री एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी इट इज कॉल्ड द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट ये यहाँ पे दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट तो एनर्जी डिफरेंस जो कि सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट में है दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी और वी से से इतनी एनर्जी चाहिए इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए एक रिएक्शन को करवाने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास वुड है तो वुड को हमें बर्न करना है तो सबसे पहले जब वुड को बर्न करना है तो हमें उसमें कुछ फायर इनिशियली देना पड़ेगा फायर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि वुड को ऐसे रख दिया और उस मैथस्टिक के साथ उसको इनिशियल फायर दे दिया अब उसके बाद तो इसको फायर की दोबारा कोई जरूरत नहीं अपने आप ही जो लकड़ियां हैं ये बर्न हो जाएंगी और इनमें जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो जो इनिशियल फायर हम दे रहे हैं वो है एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो उतनी एक्टिवेशन मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी में पूरी रिएक्शन हो रही है सिमिलरली यहाँ पे जब इंजाइन प्रेजेंट है तो बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए वही ये जो सेम रिएक्शन है अगर इसमें इंजाइम एबसेंट है प्रेजेंट नहीं है तो इस रिएक्शन को होने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये रिएक्शन परफॉर्म हो सके तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट काफी ऊपर है ट्रांजिशन स्टेट और ये एक्टिवेशन एनर्जी है मीन्स एनर्जी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट वेयर हेयर इज कॉल्ड दी गिब्स फ्री एनर्जी

ये एक पर्टिकुलर के साथ बाइंड करता है, तो इस बाइंडिंग से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी इस इंजाइन को एक्टिवेट करती है ताकि ये रिएक्शन को फास्ट कर सके लेकिन जब इंजाइन प्रेजेंट होगा किसी रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम चाहिए उसको रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए वही अगर एंजाइम एबसेंट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इसका मतलब है कि वो पॉइंट जिस पे हाईएस्ट फ्री एनर्जी इन विच द रिएक्टेंट इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मींस वो पॉइंट जिस पे की फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा है अब अगर हम सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में फ्री एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट में आती है ट्रांजिशन so, स्टेट बोलते हैं और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि हाफ जो सब्सट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि मिनिमम कितने अमाउंट में एनर्जी हमें चाहिए जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए नेचर ऑफ इंजाइम करता है इंड्यूस मॉडल और लॉक एंड मॉडल उसके बाद जब यहाँ पे इंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाइंड होने के साथ क्या होता है कि इंजाइम में कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस होती है ये जो कंफर्मेशनल चेंजेस होती हैं, ये इंड्यूस करती हैं कि जो इंजाइम है ये सबस्ट्रेट के साथ पूरा टाइटली बाइंड कर जाए और इसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे उसके बाद जो एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन है यही एंजाइम का रिएक्शन है मींस यही केमिकल रिएक्शन हम इसको ही बोलते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट है ये रिलीज हो जाता है एंजाइम से और एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और रिएक्शन परफॉर्म करता है तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है विद दी प्रेजेंस ऑफ इंजाइम नाउ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं मीन्स इंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं सबसे पहले है टेम्परेचर एंड पीएच जो भी इंजाइम्स हैं, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर पीएच पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच फॉर दैट इंजाइम अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें इस साइड पीएच है और टेम्परेचर है एंड इस साइड इंजाइम की एक्टिविटी है अब अगर पीएच बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा तो दोनों में ही की पर्टिकुलर पीएच है सिमिलरली ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे की इंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है अगर इस टेम्परेचर से टेम्परेचर कम है या इससे ज्यादा है तो इंजाइम की एक्टिविटी जो है ये कम रहेगी उसके बाद सेकंड है ऑफ सबसे पहले जब हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन सपोज यहाँ पे एक रिएक्शन मिक्सचर है इसमें हम सबस्ट्रेट को डाल रहे हैं इसमें एंजाइम पहले से ही प्रेजेंट है तो अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इंजाइम की एक्टिविटी इनिशियली इंक्रीज होती जाएगी इसके साथ लेकिन एक ऐसा फेज आएगा जिसमें सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है लेकिन उतने इंजाइम नहीं है जो कि इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करें और रिएक्शन परफॉर्म कर सके तो इस स्टेज पे जाके इंजाइन की एक्टिविटी और इंक्रीज नहीं होगी एक जो स्टडी स्टेट आ जाएगी यहाँ पे तो यहाँ पे इस ग्राफ की हेल्प से हम समझेंगे इस साइड सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है और इस साइड जो है इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय वी तो सबसे पहले जब हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले तो जो रिएक्शन की वेलोसिटी है, है. है, है. है इससे ज्यादा अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो कोई रिएक्शन पे आ, आगे वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं होगी सो so यहां तक वी मैक्स है और जो वी मैक्स की हाफ वैल्यू है इसे हम के एम के साथ डिनोट करते हैं

कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और इसकी रिएक्शन को जो इसकी एक्टिविटी है इसको डिक्रीज करते हैं एंड दीज पे दो तरीके के इनहिबिटर्स होते हैं सबसे पहले वो इनहिबिटर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सपोज यहाँ पे एक इंजाइम है ठीक है ये इसकी एक्टिव साइट है और यहाँ पे जो है ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट है इस एंजाइम के लिए This is called the substrate. अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है और साथ में एक ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल यहाँ पे सबस्ट्रेट वाली ही शेप है इसकी तो ये जो कंपाउंड है ये बोलते हैं हमें हम इसे बोलते हैं इनहिबिटर ना यहाँ पे जो इनिबिटर है ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा और अगर इनहिबिटर जो है ये इंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा तो इंजाइम की एक्टिविटी को ये जो है डिक्रीज कर देगा इंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा और रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी सो so, इस तरीके के इनहिबिटर्स को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दूसरे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसका मतलब है कि सपोज यहाँ पे एक इंजाइम है और ये जो एंजाइम है इसका ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है जिसकी शेप इसकी एक्टिव साइट के जैसे ही है Now, यहां पे जो इनहिबिटर है ये एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड करेगा ये इंजाइम में कहीं और किसी और साइड पे बाइंड करेगा लेकिन फिर भी ये इंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा मीन इंजाइम की एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करेगा इंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा सो दीज आर कॉल दी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जबकि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं जो यहाँ पे है ये इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है और जो नॉन कॉम्पिटेटिव है ये एक्टिव साइट के बिना और कहीं भी बाइंड कर सकता है लास्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन एंड नॉमन ऑफ एंजाइम्स जो एंजाइम्स हैं ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट क्लासेस में प्लेस किया गया है इसे हम डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम भी बोलते हैं ये जो इंजाइम है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं मीन्स हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या फिर ऐड करते हैं किसी रिएक्शन में किसी मीन सब स्ट्रीट में इसकी एग्जाम्पल है एल्कोल डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम जब हम ग्लाइकोलोसिस को देखेंगे तो ग्लाइकोलोसिस में बहुत सारे जो एंजाइम कैटेगरीज है उसमें हम कवर करेंगे उसके बाद दूसरा है ट्रांसफिरेज एंजाइम जो ट्रांसफिरेज एंजाइम है ये एक ग्रुप एक जो ग्रुप है इसको ट्रांसफर करता है किसी सबस्ट्रेट में ड्यूरिंग द रिएक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल दैप्टाइडल ट्रांसफिरेज उसके बाद है हाइड्रोलेजिस एंजाइम जो है, ये करते हैं एस्टर की की। और पेप्टाइड जैसे फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइडेज और एस्टीरेज उसके बाद है एंजाइम जो लाइएज एंजाइम है ये किसी भी सबस्ट्रेट से किसी ग्रुप को रिमूव करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल पेक्टिन लाइएज और आइसोसिट्रेट लाइएज उसके बाद जो है ये आइसोमरेज है आइसोमरेज क्या करता है कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज जो कि जो आइसोमर्स में कन्वर्ट करता है किसी भी सबस्ट्रेट को उसके बाद है लाइगेज लाइगेज इंजाइम दो कंपाउंड्स को लिंक करता है जैसे कि डीएनए लाइगेज इंजाइम जो कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को लिंक करता है उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इसमें आते हैं को फैक्टर्स जो इंजाइम्स हैं इनको कई बार एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये इंजाइम की एक्टिव साइड पे अगर बाइंड करेंगे तो ही इंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा या फिर रिएक्शन को परफॉर्म कर पाएगा इन जो कंपाउंड्स हैं इनको हम बोलते हैं को फैक्टर्स

हीम जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि परोक्सीडेज एंड कैटेलेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोजन परोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं अब और भी बहुत सारे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हो सकते हैं और मेनली दे आर कॉल्ड दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आल्सो इंक्लूड दी बायोटिन देन पायरेडोक्सिल फॉस्फेट एटसेट्रा उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है कोइंजाइम्स जो को है ये भी यहाँ पे एपो के साथ बाइंड करते हैं। एपो इंजाइम का मतलब है कि इंजाइम का वो पोर्शन जो कि प्रोटीन का बना हुआ है तो ये यहाँ पे जो कोइंजाइम है जब इसके साथ बाइंड करते हैं तो ये लूजली बाउंड करते हैं और उतने टाइम के लिए ही बाइंड करते हैं जब तक रिएक्शन हो रही है जब एक बार रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है तो ये फिर से जो है ये रिमूव हो जाते हैं एंजाइम से इनमें एग्जाम्पल आते हैं डिफरेंट वाइटमिन जैसे फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे निकोटिन अमाइड डायन्यूक्लियोटाइड और निकोटिन अमाइड डायन्यूक्लियोटाइड फॉस्फिट जो है इनमें नियासिन विटामिन प्रेजेंट होता है उसके बाद लास्ट है मेटालाइन ना मेटेलाइन जो है ये भी इंजाइन की एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड बाइंड करते हैं यहाँ पे ये इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कोऑर्डिनेट